तो कभी भी कोई मुझसे पूछता है कि यार तुम्हारी फेवरेट टाइप ऑफ मूवीज कौन सी है, तो मेरा तो सिंपल सा आंसर होता है हॉरर मूवीज। तो अभी रिसेंटली मैं इंसीडियस 4 और 1921 देख के आया। अब ये बात है उसी दिन रात के 3 बजे की, कमरे में एकदम अंधेरा था और मुझे अचानक से लगा कि कोई है, मेरे हाथ कांपने लगे, अचानक कमरे में ठंडी हवाएं चलने लगी, वही हॉरर म्यूजिक मेरे कानों में बजने लगा और मेरे बेड के नीचे से ठक 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 आवाजें आने लगी। मैंने बहुत जोर लगा के मम्मी को आवाज मारी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर मैंने वही करा जो हम सब करते हैं, यूट्यूब खोला और मैंने सर्च करा हाउ टू फाइंड घोस्ट्स। तो आज हम देख रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसको देखने के बाद अगर तो तुम्हारे घर में भूत भूतनी चुड़ैल चुड़ैल का बच्चा उसका बाप दादा कोई भी हो, सबसे लड़ने की स्ट्रेटजीज तुम्हें आज सीखने को मिलेंगी। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं ताकि जिनका मैं ये रोस्ट कर रहा हूँ वो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे दे। हे भगवान, मैंने जितने पाप करे हैं सबको माफ करना और इस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक से बचाना, धन्यवाद। वाओ मम्मा, कितना बड़ा घर है। तो ये इसकी माँ है। वाओ मम्मा, कितना बड़ा है। मतलब सही में माँ माँ माँ, ये माँ है, ये माँ है। I'm stunned. और माँ तो छोड़ो, इस बच्चे को देखो, इसको साला अलग ही कोई मिर्गी का दौरा पड़ रहा है इस घर को देख के। तब बड़ा है। मम्मा मैं अपना नया रूम देख के आता हूँ। रहीसियत देख रहे हो तुम, मतलब देख रहे हो तुम हैशटैग रहीस लौंडे। घर के अंदर लिफ्ट किसके होती है यार, मेरे तो नहीं है, मेरे तो अपार्टमेंट में नहीं है। व्यू है यहाँ से, वाव। क्या व्यू है भाई, भावनाएं नहीं व्यक्त कर रहा, क्वेश्चन है मेरा, क्या व्यू है ये बिल्डिंग को देख के इसको व्यू दिख रहे हैं, वाव। मम्मी कहाँ जा रहे हो? अरे वो बेटा रिंकू मासी को ऑपरेशन है तो कहीं जा रहे हैं। ओह ऑपरेशन, टाइम से आ जाना। तो अब बाय द वे ये पहली बार इस घर में आया है तो बेटा ऊपर कमरे देखने गया है, तो माँ बाप नीचे डिसाइड करते हैं कि ऐसी नाजायज नालायक औलाद नहीं चाहिए हमें, चलो चलो निकलो यहाँ से। तब तक ये जरा मोंटी को बताऊं कि स्टोप में रह रहा हूँ मैं। अबे भाई का स्वैग देखा तुमने, फोन जेब से निकाला और सीधा कान पे, डायल थोड़ी ना करना पड़ता है, वो तो बच्चे करते हैं, ये तो भाई लेजेंड है हमारे स्वयं। हाँ मोंटी। हाँ भाई। अरे नहीं अबे शिफ्ट हो गया भाई मैं। क्या नया घर? अबे यार क्या बताऊँ, इतना फालतू घर है यार। अबे बकवास सा होगा भाई, मैं बता रहा हूँ। ये सही है बिल्कुल, मतलब सबका एक ना एक ऐसा दोस्त होता है और होना भी चाहिए जिसको सामने वाले से ना हमेशा कंपटीशन की पड़ी रहती है कि यार मेरे से अच्छा कैसे होगा। तो मेरे को स्कूल में एक याद है, मेरा एक दोस्त होता था ऋषभ, तो भाई मेरे मैथ्स में आए 100, मैं बड़ा खुश यार, ये मैथ्स में 100 आए, स्वैग लेवल ही अलग था उस दिन मेरा। लंच ब्रेक में मिलता हूँ, मैंने बताया उसको कि भाई ऐसे 100 आए, कह रहा अबे मेरे पिछले 4 साल से 100 आए, तूने क्या उखाड़ लिया। मतलब ये भी वही है यार, मैंने नया घर लिया, अच्छा तूने नया घर लिया, अबे बेकार ही होगा। बिल्कुल भाई, तेरे इस 4x4 व्हाइट मार्बल वॉल्स वाले बाथरूम से और जिसमें इंपोर्टेड टैप्स लगी हुई है यार, अंबानी का घर फेल हो जाए इसके सामने। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। चलो भूत वूत तो आते रहेंगे, पहले यार तूने 3 घंटे उससे बात करी, अभी कुछ रह गया था? मतलब फिर कॉल करेगा, कुछ रह गया है? 3 घंटे साले बंदी से बात नहीं करते होंगे लोग 3-3 घंटे। तो डर लग रहा है यार यहाँ पे, कोई मम्मी पक्का मेरे बारे में सोच रही होंगी अभी।
इधर हमारा बेचारा कांगड़ी पहलवान उस हॉन्टेड हाउस में ये सोच रहा है कि उसकी माँ शायद किसी हॉस्पिटल में बैठे उसके बारे में सोच रही होगी, और यहाँ पर उसकी माँ ग्लास में एप्पी फिश डाल के अपने पति और ये पता नहीं कौन सा रैंडम एक अजीब सा डांस करने वाला कार्टून आ गया है इसके साथ मिलके जश्न मना रहे हैं, छुटकारा मिला बच्चे से, छोड़ा है हॉन्टेड हाउस में, नाचो। ओ भाई ये तो यार इन्होंने अच्छा सीन बनाया यार, एक्चुअली डर लग गया मेरे को भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। साला ऐसे लिफ्ट के बाहर एकदम अंधेरे में कोई लड़की खड़े हुए दिखे मेरी तो टट्टी निकल जाए, और इस बंदे की शक्ल देखो भाई एक बार। पक्का वहम था मेरा, पक्का वहम था, मम्मी को कॉल करता हूँ। गॉड, एक काम करता हूँ, आज रात यहीं सो जाता हूँ। अबे पागल के बच्चे, जब तेरे दोस्त ने तेरे को बोला घर हॉन्टेड है, तूने लिफ्ट के बाहर एक लड़की को देखा, घर में तेरे आवाजें आ रही हैं, उसके बावजूद तू टॉप फ्लोर पे जाके बत्तियां बुझा के कहता है आज रात यही सो जाता हूँ, भाग भाई वहां से भाग, खिड़की से छलांग लगानी पड़ जाए, लेकिन निकल वहां से। उस बेचारे चिंटू को भूत वाले घर में छोड़ के खुद यहाँ पे ग्लास में एप्पी फिश डाल के सर पे रख के नाचने में लगे हुए हैं, पता नहीं किस बात का ही जश्न मना रहे हैं ये लोग। भाई मजाक की बात अलग है, 1000 हॉरर मूवीज देख रखी हो मैंने, लेकिन घर के कॉर्नर में ऐसे किसी को बैठे हुए देख लू सीधा हार्ट फेल होगा। मैं कह रहा था कि वो नहीं सच्ची भाई साहब, चिंटू का स्वैग, लाइट ऑन करी, भूतनी की तरफ भागा, ये दी उसको किक और ये दी पीट दिया, और फिर हंसते हंसते भाई साहब कैमरे को स्माइल दे के मारा है इसने, पूरे स्वैग में पीटा, भूतनी पीट दी, और फिर उसके बाद कहता है और वो कहती है मैं सही में आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोलूं, ये क्या हो गया, ये क्या था ये क्यों था भाई। अच्छी खासी वीडियो चल रही थी, जितनी बेकार स्टार्टिंग थी उतनी मिड में सही थी, मतलब भूत वाले सीन इन्होंने एक्चुअली अच्छे बनाए, काफ़ी अच्छे जंप स्केयर्स थे, और फिर ये एंड में ये क्या है, मतलब अगर तुम्हें अगली बार अपने घर में भूत दिखे तो तुम्हें कुछ नहीं करना, लाइट ऑन करके उसको पीट देना है, और भूत वहीं बैठा रहेगा पिटने के लिए, और फिर उसके बाद एंड में तुम्हें स्टूपिड किड बोल के चला भी जाएगा। क्लैपिंग भाई क्लैपिंग। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, नए हो और सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहा है, कर दो ना सब्सक्राइब, कर दो एंड कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसी लगी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम स्नैपचैट और ट्विटर तो मेरे पास है नहीं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।